मार करने वाला हूँ। इस समय चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलावे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चावेज, सिट डाउन बैठ। चावेज, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था 5 to 10 टेबल्स लिख कर लाने थे, वो लिख कर लाए हो? नहीं सर। क्यों नहीं लिख के लाए? सर मैं इसलिए नहीं लिख लाया था, मैं कंफ्यूज हो गया था। किस बात पे तुम कंफ्यूज हो गए थे? इतनी कौन सी मैंने बड़ी बात कह दी थी तुम्हें? सर मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही थी 5 to 10 का टेबल लिख के लाना है या फिर 5 से लेकर 10 तक टेबल लिखनी है। यार चावेज, तुम क्यों इतना कंफ्यूज हो जाते हो? मैंने कहा था 5 to 10, 2 इंग्लिश वाला 2, यानी 5 से लेकर 10 तक सारे टेबल लिख कर लाने थे। अच्छा अच्छा, मैं कल पक्का लिख के लाऊंगा। ठीक है, याद रखना कल लिख कर लाने हैं सारे। ठीक है। चावेज, होमवर्क लेकर आओ। होमवर्क तो मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। अरे अब तुम किस बात पर कंफ्यूज हो गए थे? मुझे इस बात की समझ नहीं आई, टेबल पर बैठ के लिख लाना है या फिर चेयर पर बैठ के। यार, टेबल पर बैठ के लिख लाते हैं, चेयर पर बैठ के लिख लाते हैं, छत पर बैठ कर लिख लाते हैं, इधर बैठ के उधर बैठ के कहीं भी बैठ के लिख लाते हैं, लेकिन लिख कर तो लाते हैं। अच्छा सर, कल तो मैं पक्का लिख के लाऊंगा। ठीक है, मैंने कल चेक करना है होमवर्क। चावेज, होमवर्क। मुझे पता है आप फिर आप कंफ्यूज हो रहे होगे। आप किस लिए कंफ्यूज हो रहे थे? चार का मुझे शब्द फल लग रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं जैकेट पहन के लिखूं या जैकेट उतार के। अरे जैकेट पहन के लिखता, उतार के लिखता, कपड़े पहन के लिखता या कपड़ों के बगैर लिखता, जैसे भी लिखता, लेकिन लिख कर तो लाता। ठीक है, कल तो मैं पक्का पक्का लिख के लाऊंगा। अरे ठीक है, आप कल लिख कर लाना। ठीक है। चावेज, होमवर्क आज भी नहीं? आज भी नहीं किया? नहीं। क्यों? मैं कंफ्यूज हो गया था। आप किस लिए कंफ्यूज हो गए थे? इसलिए समझ नहीं आ रही थी, सोने से पहले लिखना है या सोने से बाद में लिखना है। अरे तुम्हारा होमवर्क लिखने से पहले तो मुझे नींद आ जाएगी, क्यों नहीं लिख के लाते? चाहे सोने से पहले लिखते या सोने के बाद, लेकिन लिख कर तो लाते। तुम ना करो, तुम्हारे से नहीं होगा, तुम तो मुझे भी पागल कर दोगे। अगर आपका हो तो कल मैं करके लाऊं। भाई आपका भला होगा, लेकिन कल करके लाना। ठीक है। चावेज बेटा जी, मुर्गा बन जाओ। पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम फिर कंफ्यूज हुए होगे। अब मैं होमवर्क लिख के लाया हूँ। क्या क्या क्या, तुम होमवर्क लिख कर लाए हो? जी जी जी। अच्छा फिर दिखाओ अपनी नोटबुक किधर है, अभी देख लेते हैं कि तुमने क्या होमवर्क किया है। अच्छा 5, 2 और 10 का किया या 5 से लेकर 10 तक सारे किए हैं? सारे सारे किए हैं। अच्छा अभी चेक कर लेते, लेकिन इस पे तो 6 दिनों पहले की डेट लगी हुई है। होमवर्क तो मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन आपने मुझे दिया था। लेकिन अगर होमवर्क 6 दिन पहले ही कर लिया था तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया था? मैंने 6 दिन पहले होमवर्क करके अलार्म किया है 6 दिन। अच्छा तो मतलब तुमने 6 दिन पहले होमवर्क कर लिया था और मुझे इसलिए नहीं दिखाया ताकि मैं कोई नया काम न दूं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं, मैं होमवर्क तो लिखा है। हाँ यार, इससे मैं क्यों मुर्गा बना रहा हूँ, लेकिन 6 दिन इसने मुझे बेवकूफ भी तो बनाया, मुर्गा बन जाओ। मैं मुर्गा नहीं बनूंगा, मैं तो होमवर्क किया। अच्छा फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल तुम साइंस, इंग्लिश, उर्दू सबका तुम 1 to 5 सब चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लिख कर लाओगे। होमवर्क इसलिए देता हूँ क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि उसकी दोबारा से रिवीजन हो जाए और वो आपको ना भूले, और जब आपको दोबारा भूल भी जाए तो आप अपनी नोटबुक से देख के उसे रिवाइज कर लो। और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो रोजाना का होमवर्क करके आते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप होमवर्क करके आओगे रोजाना? जी करके आऊंगा सर। ठीक है, आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप आइंदा के बाद रोजाना होमवर्क करके आओगे। ठीक है।
प्रॉमिस। आप भी अगर गुड बॉय और गुड गर्ल है ना तो अपना होमवर्क जरूर करके आया करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।